हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आया हूँ दिल्ली जू, देख सकते हो आप। और मैं आगे का आपको दिखाऊंगा। एक्चुअली मैं आया था 8:30 के आसपास ही, बट बाहर थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। वहाँ जो टिकट का है वो ऑनलाइन बुकिंग हो रही है, तो ऑनलाइन बुकिंग में डेबिट कार्ड वगैरह क्रेडिट कार्ड को ही यूज़ कर सकते हैं आप, पेटीएम वगैरह फ़ोनपे सब यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, तो मैंने एक फैमिली से बात की और उनके साथ, मतलब वो लोग अपना कर रहे थे डेबिट कार्ड से, तो मैंने उनके साथ ही करवा लिया अपना। तो उसी में थोड़ा लेट हो गया मेरे आने में, बट धूप भी काफ़ी हो गई। मैं सोचा था कि सुबह जल्दी आऊँगा तो धूप कम रहेगी। सो के चलते हैं अंदर और जू को दिखाते हैं आपको कि जू में कौन कौन से एनिमल्स हैं, क्या है, कैसे है, सब कुछ आपको दिखाते हैं इस वीडियो में। सो गाइस, ये आप देख सकते हो बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल है, आप चाहो तो ये भी ले सकते हो पूरे जू को घूमने के लिए, बट मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं पैदल ही घूमूँ, वो ज़्यादा बेटर रहता है यार। मतलब उसमें आप काफ़ी अच्छे तरीके से देख सकते हैं। फिलहाल मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे क्या क्या हो सकता है। ये देखो आप, लायन टेल मैकाव, शेर पूछ बंदर जिसको कहते हैं, बबून, टोपीदार बंदर, पारा हिरन, सांबर हिरन, गौर, चीतल हिरन, भारतीय गैंडा, रेप्टर, रंग बिरंगे पंछी, अफ्रीकी हाथी, काला मृग, मृग मतलब ब्लैक बक, जल पक्षी, वाटर बर्ड्स, छोटी बिल्लियाँ व बिलाव, शंघाई हिरन, ये सब इस रास्ते में मिलेंगे हमें। सो गाइस, अगर आपको आना हो यहाँ जू, तो मैं आपको बता दूं कि आप सुबह आने की कोशिश करो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि सुबह में ये जो जानवर होते हैं कुछ ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, उसके बाद धीरे 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 ये लेज़ी होते जाते हैं। तो इसलिए आप जितना सुबह आओगे आपके लिए उतना अच्छा है। मैं आपको बता दूं कि ये जो जू है ये 1959 में इस्टेब्लिश हुआ था और ये टोटल 176 एकर्स में फैला हुआ है। यहाँ 22,000 जानवरों की प्रजातियाँ हैं, 200 से भी ज़्यादा मतलब पेड़ पौधे हैं, वृक्ष के जो अपने अलग अलग वैराइटीज़ होते हैं वो है। और पहले जैसा कि मुझे पता था 2016 के टाइम पे, जैसे मैंने देखा हुआ था विकिपीडिया पे, यहाँ पे 1350 यानी 1350 एनिमल्स थे। तो सब मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में एंड तक। चलिए इनसे कुछ बातें करते हैं। और भैया कैसे हैं? भैया इनकी फीडिंग का टाइम कितने बजे से, मतलब कब खिलाया जाता है इन लोगों को? अच्छा, अभी खाना आ जाएगा, अभी खाना थोड़ी देर में दे देंगे इनको। अच्छा, थोड़ी देर में, और पौना घंटा, एक घंटा लग जाएगा। अच्छा, आप तो काफी यहाँ मेहनत करते हैं, यहीं पे रहते हैं। रात में भी रहना पड़ता है क्या आपको? हाँ, तीनों शिफ्ट करते हैं। अच्छा, तो आप ही मतलब ऐसे शिफ्ट होगा, अलग अलग सबका बटन होगा? मॉर्निंग की है, फिर उसके बाद इवनिंग की है, फिर उसके बाद जो नाइट है। जी, 9-9 घंटे की ड्यूटी। अच्छा अच्छा, चलिए फिर ठीक है, धन्यवाद। Me too. Me too. देखने में कितना शांत और कितना क्यूट सा लगता है, बट दुनिया का सबसे डेंजरस एनिमल्स में एक है ये हिप्पोपोटामस। गाइस, मुझे यहाँ जू में एक गिफ्ट मिला है, मैं आपको दिखाता हूँ। एक मोर की तरफ से प्यारी सी गिफ्ट मिली है मुझे। ये उतना ज़्यादा तो नहीं है उनका ये, मतलब पंख का ये,
बट आप देख सकते हो थोड़ा बहुत है, काफ़ी प्यारा है यार ये। मैं अभी थोड़ा चलते चलते थक गया हूँ, तो सोच रहा हूँ पानी वानी पी लेता हूँ। यहाँ बैठने के लिए भी जगह है, आप आराम से इजली बैठ सकते हैं। और मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे पीछे का बैकग्राउंड कितना सुंदर लग रहा है, मैं दिखा रहा हूँ, ये देखो। ये जो है वाइट टाइगर है, वाइट टाइगर से इनका कल बर्थडे था। तो गाइस आप देख सकते हो अवनी और व्योम नाम है दोनों जो टाइगर्स के बच्चे हैं उनका, वाइट टाइगर्स का। उनका कल फर्स्ट बर्थडे था जो यहाँ सेलिब्रेट भी हुआ। कपल्स आके क्या करते हैं, SAR, और इधर देख सकते हो आप RK। आप देख सकते हो यहाँ, और यूनिफॉर्म में पुलिस वाले लोग भी आए हुए हैं यहाँ पे जू में। तो इन लोगों को तो सलाम है भाई, देश की रक्षा ये लोग तो करते हैं। जय हिंद सर जी, जय हिंद।
सो गाइज, मैंने इस वीडियो में पूरा जू कवर कर दिया है और मैं चाहता हूँ कि अब आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, वीडियो पे कमेंट करके बताइए कैसा लगा वीडियो, और जितना ज़्यादा हो सकता है उतना शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए मुझे। और काफ़ी अच्छा जगह है, मतलब अच्छी जगह है, मैं बता सकता हूँ। इधर भी पूरा ग्रीनरी ही है, वैसे ही इधर भी पूरा ग्रीनरी है, इधर फाउंटेन है, मतलब काफ़ी बहुत मज़ेदार जगह है। आप लोग ज़रूर विज़िट कीजिए यहाँ पर। और अब तो धूप भी हो रही है, गर्मी लग रही है मुझे। सुबह मैं 8:30 पे आया, तो अब 12:30 होने जा रही है, तो फर्स्ट स्लॉट अभी हमारा ओवर हो चुका है। तो बस अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और मैं यहाँ से निकलूँगा, और फिर भूख लगी हुई है वैसे भी। तो मैं खाना पीना करता हूँ अपना और फिर देखते हैं। चलो फिर, वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना दोस्तों के साथ, और सब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलो फिर मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में, नए जगह पे। बाय बाय।